हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रीन गार्डन आरपीएल में। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टोन आर्ट। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्टोन आर्ट कैसे बनाते हैं और आप जब इसको अपने पॉट में रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये दो तीन बनाए हैं और ये कैसे बनाते हैं बहुत आसान है, मैंने भी पहले कभी नहीं बनाया था, पहली बार ही बनाया है तो हम आपको आज सिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो चाहिए सबसे ज़रूरी वो दोस्तों ये कुछ ब्रश इस टाइप से। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं एक ये चौड़ा ब्रश चाहिए और एक ये पॉइंटेड ब्रश, जिससे कि हम छोटी छोटी डिटेलिंग करेंगे, ये सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों। और ये दो ब्रश भी आपके पास हो तभी आप बढ़िया सी एक रॉक पेंटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर लिया है दोस्तों, और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलर नहीं थे क्योंकि ये काफ़ी पहले का ही है, वो ख़त्म ही हो रहा था, तीन से चार ही कलर बचे हुए थे। इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियों में ये आता है, बहुत ही टिकाऊ होता है, बहुत जल्दी से ये नहीं छूटता है। तो ये आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा और भी आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये इस तरह का रॉक भी चाहिए, ये आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा दोस्तों और रोड साइड में भी मिल जाएगा, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है दोस्तों वहाँ पे भी इस तरह के स्टोन आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो पहले बेस बना लें इस पर, किसी भी कलर से एक कोट करके बेस बनाएं, फिर उसके बाद आप अपनी आगे की पेंटिंग करें। और आप चाहें तो इस तरह से भी बिना बेस बनाए भी पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये एक लेडी बग, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है। और दोस्तों, इसको आप पूरी तरह तरीके से अच्छे से इस पर एक कोट कर लें, और इसके बाद जब ये सूख जाए तभी आप इस पर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें, नहीं तो फिर पेंट जो है ये कलर मिक्सअप हो जाते हैं और फिर आपकी डिज़ाइन भी खूबसूरत नहीं लगती है। तो एक कोट करके इसको रख दें आप, थोड़ी देर में ही बहुत जल्दी ही सूखता है। अगर आपके हाथ पे भी लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हैंड वॉश करिए और ये साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से मैंने ये देखिए कई सारे स्टोन को कर लिया है, और ये मेरे पहले से किए हुए हैं तो ये सूख गए हैं। तो आइए अब हम, जब तक वो सूख रहा है इस पर हम डिटेलिंग करते हैं। इसके लिए ये पॉइंटेड ब्रश चाहिए, और
आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन, कोई भी क्रिएशन आप कर सकते हैं, जो भी आपका इमेजिनेशन हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जैसा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो आप वो डिज़ाइन इस स्टोन पे बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। हम इस पे सेम डिज़ाइन बनाएंगे जैसा मैंने पहले बनाया है। अब आपको यहाँ पे बस राउंड राउंड बनाना है, और आपको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग नहीं आती दोस्तों। और अपने हाथ से किया हुआ कोई भी काम बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी बना लें, और इसकी आईज़ को वाइट कलर से बनाना है दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास वाइट कलर है नहीं तो मैंने ब्लैक कलर से ही कर दिया है। और जैसे ही मैं कलर्स ले आऊँगी मार्केट जाके, तो फिर इसमें वाइट कलर की आईज़ बना दूँगी। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी आईज को बना देंगे यहाँ पे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही कम टाइम लगता है दोस्तों। आपके पास अगर वाइट कलर हो तो वाइट कलर से इसकी आईज़ को बनाइएगा, और इस पेंटिंग को करने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है। आइए ऐसा भी एक करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें आउटलाइन भी बना सकते हैं, और इस पे आप चाहें तो बेस कोट भी करके फिर आप ये डिज़ाइन बनाएं। हर तरीके से दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसमें एक और फ्लावर भी बन सकता है, जैसे कि मैंने उसमें बनाया है। यहाँ पे दो इस तरह से, फिर हम यहाँ पे भी सेम वही करेंगे। आप चाहें तो पॉइंटेड ब्रश से भी बना सकते हैं, और कोशिश करें कि ये सूख जाए तो ही करें, नहीं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिक्सअप होता है तो फिर दोस्तों बहुत गंदा सा लगता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो।
इसकी डिटेलिंग आप आउटलाइन भी बना सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इस तरीके से इसके चारों तरफ चाहें तो सेम कलर से या फिर अदर कलर से भी इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये सूखने के बाद। तो इस तरीके से आप स्टोन पेंटिंग करिए और ये ज़रूर बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।